Excuse me? एक बैग का पैकेट दे दीजिए। ये लीजिए। कितना हो गया? 80। मैम सॉरी बट चेंज नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, मैं यहीं से सामान लेके जाती हूँ, तो आप बाद में देखिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप दो दे देंगे प्लीज मुझे? जी ये लीजिए मैम। पैसे तो पिछली बार बचे थे ना? हाँ वो बचे हुए, मैं लिखे हुए जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरी एक हेल्प कर देंगे? हेल्प? कैसी हेल्प? एक्चुअली आप तो जानते हैं ना, मेरे मकान मालिक ठीक नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर कोई भी आए तो। एक्चुअली मेरा ना एक कार्ड आना है, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपका एड्रेस दे रखा है, तो क्या आप प्लीज साइन कर देंगे उसमें? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पड़ोसी हो, इतना तो हमारा बनता है। हाँ तो आई श्योर पक्का आप कर देंगे? हाँ आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। हाँ भाई, यह मनीष कौन है? सर मेरा ही नाम मनीष है। क्रेडिट कार्ड लेने का कुछ ज्यादा शौक है ना तेरे को? क्रेडिट कार्ड? सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। ज्यादा ना होशियार मत बन, तेरे खिलाफ सबूत है मेरे पास। सबूत? कैसे सबूत? अच्छा ये बैंक के पेपर पे साइन कह रहे हैं ना? सर साइन तो मेरे ही है, पर मैंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। जब साइन तेरे हैं तो क्रेडिट कार्ड भी तेरे पास ही होगा ना? 50 लाख का लोन लेके फोन बंद करके बैठा है? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। लेकिन सर हाँ, मेरी शॉप पे एक मैडम आई थी, उन्होंने बोला था कि बैंक से कुछ वेरिफिकेशन के लिए लोग आएंगे, तो उनके पेपर पे साइन कर देना। अच्छा तो ऐसे बिना पढ़े लिखे किसी के भी पेपर पे साइन कर देगा? तो तुझे पता है इस पेपर पे क्या लिखा है? अगर तूने लोन का पैसा पे नहीं किया तो बैंक तेरी दुकान सीज कर लेंगे। क्या? हाँ आया समझ में? आप प्लीज मेरी एक हेल्प कर देंगे? हेल्प? कैसी हेल्प? एक्चुअली आप तो जानते हैं ना, मेरे मकान मालिक ठीक नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर कोई भी आए तो। एक्चुअली मेरा ना एक कार्ड आना है, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपका एड्रेस दे रखा है, तो क्या आप प्लीज साइन कर देंगे उसमें? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पड़ोसी हो, इतना तो हमारा बनता है। ओह माय गॉड, कार्ड एक्टिव हो गया। इस बार ना 50 लाख का लोन लूंगी, और किसी को मुझ पर शक हो उससे पहले ये शहर छोड़ के भाग जाती हूँ। इसका मतलब वो लड़की मुझे लूट कर चली गई, पहले उसने मेरा विश्वास जीता और फिर मुझे धोखा दे दिया। बिना किसी को जाने पहचाने मदद कर देता है तू? सर मैं तो बस उस लड़की की मदद करना चाह रहा था, लेकिन वो तो मुझे सड़क पर ले आई। अब ना अपना रोना धोना ना बाहर बैठ के कर, चल बाहर निकल, बैंक वाले आते होंगे दुकान सीज करने, चल बाहर निकल जल्दी। जो हो गया वो हो गया, पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि बिना सोचे समझे किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए। ये बात ना तेरे को पहले सोचनी चाहिए थी, चलो बाहर निकल। सर अरे आजा जल्दी आ रहा।